विकास सर, आप सभी का वेलकम करता हूँ। जैसा कि देख रहे, धीरे धीरे एग्जाम का समय काफी नजदीक आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में पढ़ाई को भी और बेहतर ढंग से करना है और बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठंड भी लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन ठंड से घबराना नहीं है। ठंड से बचते हुए पढ़ाई को भी एकदम जारी रखना है। ऐसा नहीं कि ठंड है तो रजाई तान के सोए रहते हैं, ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई को भी जारी रखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का सेशन जो हम लोग का होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको करेंगे। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट वन होगा, और इसके बाद भी एक और वीडियो लाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। सब लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। और आप लोग जब लाइव क्लास देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठना है, ऐसा नहीं कि कंबल के अंदर घुसे घुसे आंसर देते रहना, ऐसा नहीं करना है। कॉपी कलम लेके रखना है और जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर भी बताते जाना है। तो सबसे पहला जो है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें अत्यधिक होती है? तो सबसे अत्यधिक ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जा रहा है, और हमारा जो ऑप्शन है N3H है, N3H है, फिर इसके बाद क्या है, NH3 है, और इसके बाद फिर ऑप्शन क्या है, NH2OH है, NH2OH है, और इसके बाद जो है N2H4 है, N2H4 है। ये हमारा चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुतों बार सीख चुके हैं और बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ध्यान रखना है, +1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। तो यहाँ पे सभी का हम लोग को ऑक्सीकरण, जितने भी नाइट्रोजन है सबका ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का रूल जान रहे हैं कि जो जिसका निकालना रहता है ना, इसको हम लोग एक्स मानते हैं। तो यहाँ पे 3 गो नाइट्रोजन है तो 3x हो जाएगा, 3 नाइट्रोजन है तो क्या आ जाएगा, 3x हो गया। और ये हाइड्रोजन का +1 तो ये हमारा 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से x बराबर -1/3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का कितना आ गया, -1/3 हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन को x मान लिए, 3 हाइड्रोजन है तो 3 ले लिए, 0 के बराबर कर दिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, -3 आ जाता है, नाइट्रोजन का -3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन का निकालना है, एक्स हो गया, 2 1 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2, 0 के बराबर कर दिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, -1 हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जो नाइट्रोजन है 2 गो है तो 2x+4 0 के बराबर कर दिए, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जा रहा है, सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, सबसे अधिकतम जो है वो हमारा किसका लग रहा है, यहाँ पे -3 है, -2 है, -1 है, और -1/3 है। तो माइनस वाला में क्या होता है कि जो हमारा सबसे छोटा होता है वो हमारा सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह से N3H जो है, यहाँ पे N3H यहाँ पे कितना है, -1/3 है, तो ये हमारा ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से हमारा पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, ए नंबर हो गया। पहला का कितना हो जाएगा, ए नंबर हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बता दिए, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें अत्यधिक होती है? तो यहाँ पे N3H जो है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, सबसे ज्यादा है। अब हम लोग चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर पे चलते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बहुत आसान है, आसानी से निकाल लेते हैं। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा आप लोग बताइए जल्दी जल्दी।
दूसरा में कहा जा रहा है नाइट्रोजन किस परास तक भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जल्दी जल्दी बताओ, बहुत आदमी का आंसर भी आ रहा है। नाइट्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है ये पढ़े हुए हैं कि नाइट्रोजन कौन से, यानी यहाँ पे जब आवर्त सारणी पढ़े थे तो वहां पे बताया गया था ना, आवर्त सारणी में जैसे नाइट्रोजन है, परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, तो 7 होता है, तो 2 और 5 बाहर के कक्षा में कितना है, 5 है, तो 5 है, और ये बाहर में कितना पुराना रहता है, 8 पुराना रहता है, तो 8 पुराने के लिए इसके पास दो उपाय रहता है, यानी इस वर्ग के लिए, जैसे नाइट्रोजन है फिर फॉस्फोरस, तो इस वर्ग में जो भी तत्व है, जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस 2, 8, 5, सबके बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पे इसको या तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या 5 त्याग कर सकता है, तो इसका जो है ये हमारा ऑक्सीकरण अवस्था -3 से लेके +5 तक आ जाएगा। -3 से कितना, +5 तक आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, -3 से +5, यानी दूसरा का कौन सा आंसर ए नंबर हो जाएगा, दूसरा का हमारा क्या हो गया, ए नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, थर्ड को बताना है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग आंसर। थर्ड में, थर्ड का बताया गया है आप लोग को, नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ केवल एक क्लोराइड बनाता है NCl3, जबकि फास्फोरस जो है PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। नाइट्रोजन किसका निर्माण करेगा, NCl3 का निर्माण करेगा, इस टाइप से क्वेश्चन भी लिखाया गया था, और फास्फोरस हमारा PCl3 और PCl5 दोनों का निर्माण करता है। तो नाइट्रोजन वाला में पढ़े हैं, जब हम लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 1s2, 2s2, 2p3 हो जाता है, और यहाँ पे जब फास्फोरस का निकालते हैं तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, इस तरह से 10, 5, 15। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाया, जबकि फास्फोरस जो है दोनों का निर्माण कर लिया। तो नाइट्रोजन में देखिएगा डी वैकेंट डी ऑर्बिटल, जैसे अगर पहला कक्षा लिखे हैं तो पहला कक्षा मतलब केवल एस आ जाएगा, दूसरा कक्षा लिखे हैं तो एस और पी दोनों आ जाएगा, अगर तीसरा कक्षा आ गया तो एस पी और डी तीनों आ जाता है। तो नाइट्रोजन में 2 ही तक है, इसका मतलब इसमें डी नहीं है, जबकि फास्फोरस में 3 तक आ गया, इसका मतलब इसमें डी है, लेकिन डी हमारा क्या है, वैकेंट है, इसमें 3d भी है लेकिन डी क्या है, वैकेंट है, खाली जगह है, यानी नाइट्रोजन के पास खाली डी कक्षक नहीं होता है, जिस कारण से ये केवल NCl3 का निर्माण करता है, जबकि फास्फोरस में जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये दोनों का निर्माण करता है। ये बात बहुत अच्छे से बताया गया था आप लोग को। तो तीसरा का आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, यानी ए नंबर हो जाएगा। तीसरा का आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर हो गया। तीसरा का आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, 4 का आंसर बताइए, बता दिए आप लोग, 4 का आंसर क्या है, निम्न में कौन सी स्पीसीज में अत्यधिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सब है, SbH3 है, PH3 है, SbH3 है, PH3 है, इसके बाद क्या सब है, NH3 है और ASH3 है, NH3 है और ASH3 है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, द्विध्रुव आघूर्ण किसका सबसे ज्यादा, ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है द्विध्रुव आघूर्ण होता है सबसे ज्यादा होता है किसका। तो यहाँ पे देखिए इस सब में एक हमारा NH3 जो है यही हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे जब नाइट्रोजन है ये हमारा हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर रहा है, और यहाँ पे एक चीज पढ़े हैं कि जो हमारा सबसे ज्यादा उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व में फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया और नाइट्रोजन आ गया, ये सब हमारा उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है।
तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा क्या है, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो विद्युत ऋणात्मकता का जो गुण होता है, बताया गया आप लोग को कि इस बॉन्ड को अपने तरफ साझेदारी वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपने तरफ अधिक आकर्षित करता है। विद्युत ऋणात्मकता, जो जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा वो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ही अपने तरफ आकर्षित करेगा। तो इस जगह यहाँ पे जिस जगह जिस या कंपाउंड में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है वो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचा तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींच रहा है, सबसे ज्यादा खींच रहा है, क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है, सबसे ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा चौथा का आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। तो जो जो स्टूडेंट सी लगाए हैं उनका सही है, जो जो सी लगाए हैं उनका सही है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, 5 में बोला जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि अमोनिया की बोतल को कुछ समय के लिए बर्फ में ठंडा करने के पश्चात खोलना चाहिए, क्योंकि तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया NH3, अमोनिया जो होता है इसका वाष्प दाब, इसका जो वाष्प दाब होता है वो ज्यादा होता है। अमोनिया जिस बोतल में बंद है इसका वाष्प दाब जो हमारा बाहर का वाष्प दाब होता है उससे इसका ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है जिस कारण से इसको कुछ देर अगर ठंडा कर देते हैं तो इसके वाष्प दाब में क्या आता है, कमी आता है। उसके बाद खोलते हैं तो ये बहुत तेजी के साथ, यानी पूरा भागता नहीं है, अगर डायरेक्टली खोल देंगे तो पूरा एकदम बहुत तेजी से भागेगा इस कारण से। तो यहाँ पे इसके अंदर का यानी बोतल के अंदर का वाष्प दाब क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर हो जाएगा, इसका वाष्प दाब क्या होता है, उच्च होता है। तो 5वां का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो गया, 5वां का आंसर ए नंबर। नेक्स्ट 6ठा नंबर। 6 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक गर्म करने पर अमोनिया नहीं देगा, अमोनिया नहीं देगा उसको कह रहा है खोजने के लिए। तो ए नंबर जो है इसको गर्म करेंगे तो अमोनिया मिल जाएगा, बी नंबर जो है इसको भी गर्म करने पे अमोनिया मिल जाएगा, सी में हमारा NH4NO2 है, NH4 है, NO2 है, NH4 है और NO2 है। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने का यह निश्चित रूप से जल निकलेगा, तो जल निकल गया, लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 गो है, तो इस तरह से 2 लगा दिए तो हमारा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन तो हो गया, बच क्या गया, 2 गो नाइट्रोजन बच गया, तो यहाँ पे N2। तो यही हमारा NH4NO2 जो है ये अमोनिया नहीं देगा, ये क्या दे रहा है, डाई नाइट्रोजन यानी N2 दे रहा है, N2 दे रहा है। इसका जो डी ऑप्शन है NH4Cl, तो ये अमोनिया दे देगा NH3HCl, तो अमोनिया यहाँ पे निकल जाएगा। तो हमको कह रहा है कौन अमोनिया नहीं देगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी एकदम बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे 6ठा का क्या आंसर आ गया, सी नंबर आ गया, सी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 7वां नंबर। 7वां नंबर देखिए, 7 में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड होता है, नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड, नाइट्रस अम्ल क्या हो गया, HNO2 हो गया, HNO2 हो गया। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब सबसे पहले समझो एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड मतलब हो गया कि जहां जल नहीं होना चाहिए, मतलब इससे जल को निकाल देना है, यहां से जल को निकालने के बाद जो हमारा बचता है वो हमारा एनहाइड्राइड हो जाता है। तो यहां से पहले जल को निकाल देते हैं, तो जल निकालने के बाद जो बचेगा वही हमारा एनहाइड्राइड होगा। तो यहाँ से जब जल निकालते हैं तो जल कैसे, H2O निकल गया, H2O निकल गया, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा देंगे।
अब हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया और नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो नाइट्रोजन हमारा 2 होना चाहिए, 2 नाइट्रोजन हो गया और फिर टोटल 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन तो यहाँ पे है और कितना देना पड़ेगा, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखो बहुत आसान है, जो हमारा यहाँ पे HNO2 है इसमें से क्या निकाल दिए, जल निकाल दिए, जल निकाल दिए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन था इस कारण से यहाँ 2 लगा दिए। अब इसके बाद 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, अब 2 लगाने से यहाँ नाइट्रोजन 2 गो हो गया, नाइट्रोजन 2 गो लिख दिए। ऑक्सीजन हमारा 4 है तो जिसमें 1 O तो है, 3 यहाँ पे रख देना है, तो N2O3 जो है ना यही हमारा एनहाइड्राइड हो गया। N2O3 खोजो कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो हमारा 7वां नंबर है, तो 7वां में क्या है, ए नंबर, N2O3 ए नंबर में ही है, N2A3, तो यहाँ पे हमारा N2O3 ही क्या है, ये हमारा एनहाइड्राइड है। 7वां का क्या आंसर आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 7वां का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 7वां का क्या हो गया, ए नंबर। तो आसानी से बना सकते हैं, बस समझना है सबको, समझते हुए बनाना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, 8 नंबर, 8 नंबर बताओ। 8वां में बोला जा रहा है नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड 250 डिग्री सी पर अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो किसको गर्म करना है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर देना है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसको क्या करना है, गर्म करना है, यही क्वेश्चन है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है NH4NO3, NH4 है NO3 है, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, इसको क्या करना है, गर्म कर देना है। गर्म कर दिए तो गर्म करने के बाद जो है निश्चित रूप से हाइड्रोजन तो निकलेगा ही, हाइड्रोजन ये जल निकलेगा, गर्म करने से जल निकल जाएगा, तो यहाँ से हम जल निकाल दिए, तो जल निकाल दिए यहाँ पे, तो हमको 4 गो हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो 4 हाइड्रोजन तो हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, इधर बचा क्या, 2 नाइट्रोजन बच गया, 2 नाइट्रोजन बच गया और 2 ऑक्सीजन तो हो ही गया, और यहाँ पे 3 है तो कितना ऑक्सीजन बच गया, 1 ऑक्सीजन बच गया। तो हमारा N2O अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, N2O मिलेगा। 8वां में खोजिए कौन सा ऑप्शन, N2O खोजना है। ए में लिखा है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब हो गया NO। फिर दूसरा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यही हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का ही फॉर्मूला क्या होता है, N2O, ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और यही हमको मिला है, तो इसी खोजना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर देंगे तो क्या मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर हमारा सी नंबर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा NO2 हो गया, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये हमारा N2O4 हो गया, तो हमको क्या मिला है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसलिए 8वां का क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन बताना है। 9 नंबर देखो क्या बोला जा रहा है, फॉस्फोरस की परमाणवीयता होती है, बताइए जल्दी जल्दी, फॉस्फोरस किस रूप में पाया जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट बताना शुरू किए हैं जिसका आंसर सही आ रहा है, बहुत सारा गलत भी बता रहे हैं। सिंपल है, फॉस्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, तो P4 के रूप में पाया जाता है, देखो यहाँ पे 4, 4 कितना है, डी नंबर हो जाएगा, नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर, 9 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, फॉस्फोरस ध्यान रखना है, डी नंबर हो जाएगा। फॉस्फोरस का परमाणवीयता कितना होता है, P4, P4 के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है 10 नंबर, देखिए 10 में बताना है सफेद फॉस्फोरस की संरचना होती है, तो सफेद फॉस्फोरस की संरचना समचतुष्फलकीय किए होता है, सफेद फॉस्फोरस का संरचना कैसा आ जाएगा, समचतुष्फलकीय। खोजो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, सी में दिख रहा है समचतुष्फलकीय, तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा।
दसवां का आंसर सी नंबर हो जाएगा। एकदम तेजी तेजी में जवाब देना है, जोश ठंडाना नहीं है, एकदम जोश में रहना है। 11 का बताइए, 11 क्वेश्चन दिख रहा है। PCl3 में फास्फोरस का संकरण, PCl3 है, PCl3 में फास्फोरस का संकरण कितना हो जाएगा? sp3, sp3, PCl3 में फास्फोरस का संकरण sp3, कौन सा ऑप्शन? बी नंबर नजर आ रहा है। 11 का क्या हो गया? बी नंबर। 11 का बी नंबर हो गया, 11 का क्या हो गया? बी नंबर। 12 नंबर बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। 12 नंबर बताइए, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में कितने पीओपी आबंध दिखाई देते हैं? यहाँ पे चक्रीय मेटा फॉस्फोरिक अम्ल है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल है, HPO3 का हॉल थ्री, चक्रीय HPO3 का हॉल थ्री होता है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। यहाँ पे पीओपी बंध हमको बताना है, तो पीओपी बंध बताना है, पीओपी बंध यहाँ पे देखिए कितना आएगा, इसको बताना है पीओपी बंध। पी ओ पी बंद यहाँ पे बताना है, टोटल हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 9 गो, तो यहाँ पे 9 गो ऑक्सीजन दिख रहा है, 3 हो गया, फिर यहाँ पे 3, 6 हो गया, सब हाइड्रोजन के साथ भी है, तो यहाँ पे 9 गो ऑक्सीजन हो गया, फिर हाइड्रोजन हमारा 3 है, तो 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 हमारा फास्फोरस है, 3 फास्फोरस भी दिख रहा है, यही है हमारा चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल, पीओपी बंध कह रहा है, पीओपी बंध कह रहा है, फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस बंध, तो पीओपी बंध जो है, एक बंध हमारा ये हो गया, फिर दूसरा हमारा ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया, टोटल पीओपी बंध कितना हो गया? 3 हो गया, 3 गो टोटल पीओपी बंध है, तो यहाँ पे 3 गो पीओपी बंद है। देखो कौन सा ऑप्शन, 12 नंबर में कौन सा ऑप्शन है? 12 में दिख रहा है 3 गो पीओपी बंद, बी नंबर आंसर। 12 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 12 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, 12 का कितना आ गया? बी नंबर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन सा चतुष्क्षारीय अम्ल है, यानी जिसकी क्षारीयता 4 होगा वो हमारा चतुष्क्षारीय अम्ल होता है, तो यहाँ पे चतुष्क्षारीय अम्ल खोजना है, चतुष्क्षारीय अम्ल, तो यहाँ पे ए नंबर है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल हो जाता है H4P2O6, H4P2O6 चतुष्क्षारीय हम लोग को खोजना है, H4P2O6। इसके बाद जो है दूसरा क्या ऑप्शन है? बी नंबर है, HPO3 है, बी नंबर में क्या है? HPO3 है, HPO3 है। सी नंबर में क्या है? सी नंबर है पाइरोफॉस्फोरिक अम्ल, जिसको हम लोग H4P2O7 कहते हैं, H4P2O7 कहते हैं। फिर इसके बाद ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 है, H3PO4 है, H3PO4 है, तो यहाँ पे चतुष्क्षारीय, जिसका क्षारीयता कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक ही हाइड्रोजन है, ये तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट गया। अब यहाँ पे इसका संरचना हम लोग बनाते हैं, H4P2O7 का संरचना बनाते हैं, P2O7, P 2 गो है, तो इस तरह से कर दिए, और ओ हमारा 7 गो है, ओ 7 गो है, बाद बाकी जो ओ है इसको ओ एच के साथ जोड़ दो, ओ एच के साथ जोड़ दो, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन पुड़ गया, 4, और 3 हमारा 7 हाइड्रोजन भी हमारा 4 पुड़ गया, तो यहाँ पे देख लीजिए इस जगह हमको क्षारीयता 4 नजर आ रहा है, तो ये हमारा H4P2O7 जो है यही हमारा चतुष्क्षारीय है, यानी पाइरोफॉस्फोरिक अम्ल, ये क्या है हमारा? चतुष्क्षारीय है। 13 का क्या आ जाएगा? सी नंबर आ गया।
13 का आंसर क्या आ गया, सी नंबर आ गया, 13 में सी नंबर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ संरचना जो है वो निश्चित रूप से जानना पड़ता है। संरचना अगर ध्यान में रखेंगे तो इसका क्षारीयता या कितना है ये सारा चीज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, फॉस्फोरस अम्ल गर्म करने पे निम्न उत्पाद देता है, उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस अम्ल जो है गर्म करने पे H3PO3 है, H3PO3 है, और इसको जब गर्म किया गया तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा है H3PO4, H3PO4 दे रहा है, H3PO4 दे रहा है। इसके साथ साथ क्या दे रहा है, H3PO4 के साथ ये 3 है, PS3, इसके साथ जो है PS3 दे रहा है। यहाँ पे इस अभिक्रिया के बारे में बोला जा रहा है कौन सा अभिक्रिया है। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं हम लोग, अगर फास्फोरस का यानी P का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए, तो P का अगर ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए तो यहाँ पे नजर आ जाएगा, अगर इस 4 को हम छाट के भी रखते हैं, 4 संतुलित करने के लिए आया है, इसको लेके चलेंगे फिर भी उतना ही आएगा। तो यहाँ जैसे हाइड्रोजन 3 को है, +3, फॉस्फोरस का x, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का -2, 3 को है -6, तो इस जगह नजर आ रहा है x हमारा कितना आ जाएगा, x हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ जो फॉस्फोरस इसका कितना आ गया, +3 आ गया। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का -2, 4 है तो -8 हो जाएगा, 8 है यहाँ पे 3, तो हमारा -8 3 है तो 5 बच जाएगा, तो इसका कितना जाएगा +5 आ जाएगा। यहाँ पे +3 है तो इसके लिए कितना जाएगा, -3 आ जाएगा, -3। यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, +3 से +5 हो गया, +3 से -3 हो गया, यानी एक बार घट भी रहा है, ये एक बार बढ़ भी रहा है, एक बार घट भी रहा है, दोनों कंडीशन आ रहा है। तो इस कारण से इसको असमानुपातन बोलेंगे, असमानुपातन बोल देंगे, यानी कौन सा ऑप्शन है, 14 का सी नंबर हो जाएगा, असमानुपातन यानी सी नंबर। 14 का क्या आंसर हो गया, सी नंबर हो गया। तो 14 में क्या लिखना है, सी लिखना है, 14 नंबर में सी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। ऑक्सीजन की सहसंयोजकता 2 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि सल्फर +4 या +6 दर्शा सकता है। ऑक्सीजन का जो है 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो सल्फर है +4 और +6 दोनों दर्शा सकता है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का अगर निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नजर नहीं आएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल नजर नहीं आया, इसी कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ पे खोजिए कौन सा ऑप्शन, तो ऑक्सीजन परमाणु में डी ऑर्बिटल नहीं होते, ए नंबर में ही दिख गया। 15 का क्या हो गया, ए नंबर, 15 का ए नंबर, 15 क्वेश्चन हो गया। अब चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर बताओ, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड में सल्फर का संकरण, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, तो SF6 हो गया, SF6 हो गया, तो SF6 यानी सल्फर है और हमारा फ्लोरीन क्या है, 6 है, तो 6 को जब रखते हैं तो 6 के लिए यही जगह होता है 6। और इस तरह का आकृति बताइए कौन सा आकृति है, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय है। तो ऑप्शन खोजो कौन सा ऑप्शन है 16 का, 16 में आ जाएगा अष्टफलकीय, ये हमारा कौन सा 16, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर का संकरण पूछा जा रहा है, और संकरण पूछा जा रहा है तो यहाँ पे संरचना देख लिए अष्टफलकीय है, और अष्टफलकीय में प्रसंकरण याद करो कौन सा बताए थे, अष्टफलकीय में पढ़े थे sp3d2, sp3d2 यही पढ़े थे, sp3d2। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर में नजर आ रहा है। 16 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, 16 का बी, जो जो बी लगाए हैं एकदम सही है, 16 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 17 नंबर पे, 17 नंबर बना के बताइए 17 का कौन सा आंसर आएगा। 17 नंबर, के सी एल ओ थ्री को गर्म करने पे हम लोग क्या पाते हैं, के सी एल ओ थ्री है,
KClO3 है, KClO3 है, इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो दोनों का दोनों अलग हो जाएगा, KCl अलग हो गया और हमारा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जब दोनों अलग हो गया तो यहाँ पे संतुलित करना है, ऑक्सीजन 3 है इधर, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो हमारा KCl दो गो हो गया। तो यहाँ पे जब KClO3 को गर्म करेंगे तो KCl और O2 मिलेगा। देखो कौन सा ऑप्शन, 17 का कौन सा ऑप्शन, 17 के बी नंबर में नजर आ रहा है, KCl+O2, KCl+O2 ये संतुलित करने के लिए दिए हैं, संतुलित करने के लिए है, KCl+O2 बी नंबर में नजर आ गया, तो 17 का हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बी नंबर हो गया। 17 का क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट 18 नंबर, 18 नंबर बताना है, 18 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताइए, अभी 30 क्वेश्चन तक बनाना है, अभी से ही बहुत सारे विद्यार्थी को ठंड लगना शुरू हो गया है, ठंड नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी बताना है। 18 नंबर, H2SO4 है, H2SO4 बहुत हल्का क्वेश्चन है, H2SO4 का नाम जान रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एकदम ए नंबर में दिख रहा है, पहला में ही दिख रहा है ए नंबर अम्ल, तो 18 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 18 का ए नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर, 19 बताना है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप, ग्रुप मतलब क्या हो गया, वर्ग, ग्रुप का हिंदी क्या होता है, वर्ग, तो सोडियम, सोडियम किस वर्ग में है, तो पहला ही वर्ग में कितना बार पढ़े हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, हॉलीना, के रूबी कैसे फ्रांस गई, पढ़े हैं निश्चित रूप से पढ़े हैं, बताएं बहुत बार आवर्त सारणी जिस समय बताए थे, ये सब हमारा पहला वर्ग में है, पहला वर्ग में है, हॉलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई। तो इस तरह से तो सोडियम हमारा किस में, पहला ही वर्ग में, सोडियम किस वर्ग में, पहला ही वर्ग में, तो 19 नंबर में देखो कौन सा है, 19 नंबर ग्रुप 1 यानी पहला वर्ग, तो 19 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो गया, 19 का क्या आ गया हमारा, ए नंबर आ गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन बताना है, 20 नंबर बता दिया आप लोग, ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैस, बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आर्गन गैस भरा जाता है, बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है, कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर में दिख रहा है आर्गन, सी नंबर में दिख गया तो सी में एकदम टिक लगा देना है, 20 का कौन सा आ जाएगा, सी नंबर आ गया, 20 का सी है। 21 नंबर पे चलिए, 21 नंबर दिख रहा है क्वेश्चन, 21 है, गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं, तो गोताखोर जो होता है, गोताखोर, गोताखोर मतलब हो गया कि समुद्र में जो है व्यक्ति, देखते होगा बहुत सारा सिनेमा में दिखाया जाता है, गोताखोर मतलब समुद्र के अंदर एकदम सूट उट पहन के, मतलब समुद्र के अंदर जो जाता है, तो उसके पीठ पे जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हमारा कौन सा गैस भरा रहता है, तो हीलियम गैस भी भरा रहता है, तो हीलियम गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि समुद्र के अंदर जाने के बाद शरीर में जो थकान, यानी अगर ये गैस नहीं रहेगा तो उसका शरीर बहुत ज्यादा दर्द करेगा, तो इस कारण से ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी रहता है। तो देखिए 20 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 20 का आंसर क्या हो गया, ए नंबर, 20 का ए। अब इसके बाद ये सॉरी 21 का ए, 21 का नहीं, 20 तो हो चुका था, 21 का ए हो गया। 22 नंबर, 22 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बताना है, 22 में बोला जा रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत हमारा क्या आ जाएगा, सी यानी सूर्य, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या आ जाता है, सूर्य होता है, सूर्य में भी बहुत सारा हीलियम रहता है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 22 का क्या हो गया, सी नंबर, 22 का क्या हो गया, सी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 23 नंबर, 23 नंबर बताइए, 23 में बोला जा रहा है प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछा जा रहा है, तो फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन, प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछ दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा F2। तो
तो 23 का हमारा कौन सा आंसर हो गया? ए नंबर हो गया, 23 का ए, 23 का ए, जल्दी जल्दी बताना है। 24 नंबर, 24 नंबर, 24 में है त्रिक्षारकीय अम्ल है, त्रिक्षारकीय अम्ल बताना है। तो त्रिक्षारकीय यानी यहाँ पे तीन, जिसका क्षारीयता कितना होना चाहिए? तीन। तो यहाँ पे संरचना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है H3PO4, यही ना है, H3PO4 है, H3PO4 है। तो H3PO4 है, इसका संरचना बनाते हैं, H3 है, PO4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन चार, और H3 है, हाइड्रोजन तीन है, हाइड्रोजन तीन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्षारीयता जो है आसानी से पता चल गया, यहाँ पे हमारा तीन है, तीन है। तो यहाँ पे जो रिप्लेसेबल है, तो OH, जब हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, तो ये यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, ये भी रिप्लेस हो सकता है, ये भी, ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह से क्षारीयता इसका कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा, त्रिक्षारीय अम्ल है, तो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, H3PO4 हो जाएगा, H3PO4। तो 24 का क्या आ जाएगा? ए नंबर। 24 का क्या आंसर आ गया? ए, 24 में ए। 25 नंबर, 25 नंबर क्या है? 25 नंबर आंसर क्वेश्चन 25 में बताना है, H3PO3 है, H3PO3 है। तो H3PO3 कितना क्षारीय है, ये हम लोग को बताना है। H3PO3 है, तो H3PO3 है, तो H3PO3 है, H3PO3 है, ऑक्सीजन हमारा कितना है? तीन ही है, और हाइड्रोजन है तीन है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कितना क्षारीय हो सकता है? यहाँ पे देखिए, दो जगह से ही रिप्लेस हो सकता है, यहाँ तो डायरेक्ट हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, तो OH है, यहाँ पे OH है, तो दो जगह से रिप्लेसेबल है, इस कारण से इसका क्षारीयता कितना हो जाएगा? दो। तो दुई क्षारीय हो सकता है, H3PO3 है, दुई क्षारीय यानी दुई भास्मिक, क्षार बोलो या भस्म बोलो, दोनों एक ही चीज आता है। तो यहाँ पे जो हमारा 25 नंबर है, 25 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया। 25 का आंसर कितना हो गया? बी नंबर। 25 का आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है किसी का नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फास्ट फास्ट में करना रहता है, फास्ट फास्ट में बताना रहता है। तो आप लोग लास्ट में निश्चित रूप से आप लोग खुद बताइए कि कितना आप लोग का सही हुआ है। 26 नंबर का आंसर आने लगा है, एकदम बहुत विद्यार्थी सही भी बता रहे हैं। 26 में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, बहुतों बार पढ़ चुके हैं, और ये बार बार आता था क्लास में, बहुतों बार आ चुका है। हाइड्रोजन बंधन कब बनेगा? जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हो, यानी हाइड्रोजन जहां है, जरूरी नहीं है कि सभी के साथ हाइड्रोजन बंधन होगा। हाइड्रोजन बंधन तभी कहलाएगा जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा, ये कंडीशन होगा, तभी हाइड्रोजन बंधन होगा, अन्यथा हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है, यहाँ पे बताना है ऑप्शन में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं है। तो देखिए, NH3 है, तो NH3 है, तो NH3 में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। फिर H2O है, H2O में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बंधन होगा। HCl है, तो HCl यहाँ पे बताए हैं HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जब इस तीनों के साथ जुड़ा हो तभी हाइड्रोजन बंधन होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 26 का क्या हो गया? सी नंबर हो गया, 26 का सी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 27 नंबर, 27 बताना है, 27 आप लोग बताइए, ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे के क्या होते हैं? बता जल्दी जल्दी, ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे के अपर रूप हैं। तो सी नंबर आंसर, सी में दिख रहा है अपर रूप। तो
तो यहाँ पे 27 का क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा, 27 का सी। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर। 28 में बताना है आप लोग को कौन सा धातु साधारण तापक्रम पे द्रव होता है। ये भी बहुत आसान है, साधारण ताप पे द्रव के रूप में पारा, पारा मतलब भैंस वाला पारा नहीं, यहाँ पे पारा मतलब ये थर्मामीटर में रहता है वो पारा, ध्यान रखना। तो कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है, पारा, बी नंबर, बी नंबर हो गया। 28 का क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, 29 दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे। 29 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, तो सबसे कम भास्मिक NF3 यानी फ्लोरीन वाला जो है वो सबसे कम भास्मिक हो जाएगा। तो 29 का हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर, NF3 ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम भास्मिक हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर अणु है, सल्फर कितना रूप में पाया जाता है, S8 के रूप में पाया जाता है। सल्फर कितना रूप में पाया जाता है, 8, S8, सल्फर जो है ना 8 के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे खोजो कौन सा ऑप्शन है, अष्ट परमाण्विक यानी डी नंबर हो गया। 30 का हमारा क्या हो गया, डी नंबर हो गया। 30 का हमारा डी हो गया। तो यहां तक बना लिए हैं, यहां तक आप लोग देखे इस क्वेश्चन को, तो जिनका जिन स्टूडेंट का जितना सही हुआ है एकदम फास्ट में बताइए, किनका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि हमको भी पता चले कौन कितना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और कौन जो है ढिलाई कर रहे हैं। तो ये हमारा जो था पार्ट 1 था। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पार्ट 2 भी लाया जाएगा, क्योंकि इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से पढ़ाई को एकदम जारी रखना है, ठंडा लगे तो लगे लेकिन पढ़ते भी रहना है, ठंडा से बचते हुए पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है, बहुत नजदीक आ भी चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।